तो देखिए गाइस, ये एक प्रोजेक्टर टीवी जिसकी मदद से हम दीवार पर टीवी देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसे हमने अपने घर पर बनाया है और ये टीवी देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हो ये दीवार पर चल रहा है। अभी ये देखिए गाइस, अभी हमारा मोबाइल का फ्लैश जला हुआ है जिस कारण से देखिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गाइस जैसे ही इसका फ्लैश बुझाते हैं तो देखिए गाइस जो भी वहाँ पर हो रहा है, देखिए आप ये टीवी देखिए गाइस स्पष्ट आप लोग देख सकते हो। देखिए ये हम हाथ यहाँ पर करेंगे तो हमारे हाथ पर भी गाइस ये टीवी देखिए देखने को मिलेगी, ये देखिए गाइस। और गाइस हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा करके गाइस हम कोई भी फिल्म चाहे क्रिकेट मैच कुछ भी देख सकते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। तो देखिए गाइस, ये है एक प्रोजेक्टर जिसे आप अपने घर पर बना सकते हैं। ये गाइस तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इसे बनाना बताते हैं कि इसे आप लोग अपने घर पर कैसे बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए गाइस तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, इसके लिए आपको इस प्रकार का एक बल्ब ले लेना है। बल्ब लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि ये बल्ब है गाइस इसका आगे का हिस्सा आपको फोड़ देना है। ध्यान रखना है कि ये जो बल्ब है गाइस ये बल्ब नहीं फूट ना पाए। तो देखिए पेचकस की मदद से इसके अंदर का हिस्सा तोड़ना है। देखिए ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, इस हिस्से को तोड़ने के लिए गाइस आपको ऊपर से आराम से देखिए इस प्रकार से पेचकस का ठोकर देना है। देखिए देखिए गाइस, इस प्रकार से ठोकर देने से अंदर का जो हिस्सा है देखिए गाइस फूट चुका है। इसके बाद देखिए गाइस आपको क्या करना है कि इसके अंदर इस हिस्से को आपको बाहर निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से जो भी यहाँ पर सिस्टम, तो देखिए गाइस इस प्रकार से बल्ब को फोड़कर देखिए कांच के जार की तरह बल्ब को इस प्रकार से बना दिया है। अब इसके बाद आप इस प्रकार से एक कागज का डब्बा ले लेना है। तो देखिए हमने ये वाला डब्बा यूज किया है। अब इस डब्बे के साथ हमें क्या करना है, तो देखिए गाइस ये डब्बा इस प्रकार से खुलता है और खुलने के साथ देखिए गाइस आपको क्या करना है कि इसका पिछला हिस्सा देखना है, यानी कि गाइस ये वाला हिस्सा देखना है और इस वाले हिस्से के ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको ये जो बल्ब है गाइस बल्ब का आपको ये वाला देखिए ये वाला जो घेर आप लोग देख सकते हो इस साइज का आपको यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका साइज देखने के लिए देखिए गाइस हम इसके ऊपर एक टैप रख देते हैं और टैप के हिसाब से ये देख सकते हो। तो इसमें देखिए गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ इसे इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए गाइस निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस इस प्रकार का आपको एक निशान लगा लेना है, ये निशान आप लोग देख सकते हो। और आपको क्या करना है कि ये निशान के भीतर का जितना भी हिस्सा है इसे काट कर आपको अलग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम कटर की मदद से देखिए गाइस काट कर अलग कर देंगे। और देखिए गाइस इस प्रकार से आपको अपने डब्बे के पिछले हिस्से में देखिए इस प्रकार से एक छेद बना लेना है। इसके बाद गाइस क्या करना है कि आपको ये जो बल्ब है गाइस बल्ब को लेना है और गाइस आपको क्या करना है कि ये जो बल्ब है गाइस इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। तो देखिए इसे गाइस अच्छे तरीके से, ऊपर कोई भी कचरा जमा नहीं होना चाहिए, इसे अच्छे तरीके से गाइस इसे धो लेना है। और देखिए गाइस ये जो बल्ब है और इसे धोने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके अंदर बिल्कुल साफ शुद्ध पानी इसके अंदर आपको डालना है। तो देखिए गाइस बल्ब धोने के लिए हमने अलग पानी यूज किया, अब इसके अंदर जो हम पानी भर रहे हैं देखिए गाइस बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर हम भरने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, तो लीजिएगा गाइस देखिए इसके अंदर हमने बिल्कुल साफ शुद्ध पानी इसके अंदर हमने भर दिया है। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है कि ये जो बल्ब है इसका जो मुंह है इस मुंह को कर देना है गाइस पैक, ताकि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वह बाहर ना निकल सके। इसके लिए देखिए गाइस इसके लिए आप टैप वगैरह कुछ का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम भी गाइस यहाँ पर टैप का ही यूज करने वाले हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो हम इस टैप को यूज करने वाले हैं, इससे क्या होगा गाइस कि जो पानी है गाइस बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए
तो देखिएगा इस प्रकार से हमने ये जो बल्ब है, बल्ब का मुंह है अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। अब यदि ऐसे ऐसा भी कर देंगे तब भी इसका पानी है गाइस देखिए बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और गाइस इतना सब कुछ करने के बाद गाइस अब आप लोग जानते हो कि आखिरकार ये बन क्या चीज़ गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें गाइस कि ये बन चुका है एक लेंस। और अब इस लेंस को आपको क्या करना है गाइस कि अपन ने जो डब्बा काटा था इस डब्बे के अंदर रखना है। लेकिन गाइस डब्बे के अंदर रखने के लिए भी एक शर्त है। डब्बे के अंदर देखिए गाइस यहाँ पर रखना है कि इस तरह से रखना है कि ये जो बल्ब, ये जो छेद हमने किया था, इस छेद में देखिए गाइस आपको अच्छे तरीके से फंसा देना है ताकि गाइस ये है देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिखना चाहिए, ये देखिए गाइस। तो इसे फंसाने के लिए गाइस हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गाइस ऐसी स्थिति में रखना है कि ताकि आगे भी कोई दिक्कत ना आए और ये अच्छे तरीके से रख भी जाए। तो देखिए गाइस इसे रखने के लिए देखिए गाइस इस प्रकार से रखेंगे तो ये डायरेक्टली देखिए गाइस नीचे पहुंच जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं गाइस ये टैप है, ये टैप का एक फ्रेम बचा हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे इसे यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे और इस प्रकार से देखिए गाइस इसकी सेटिंग बना देंगे। लेकिन गाइस हमारे हिसाब से अब भी ये देखिए थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए गाइस ये थर्माकोल है, इस थर्माकोल को इसके नीचे रख देंगे, इसके ऊपर इसे रख देंगे देखिए। और इस प्रकार रखने के बाद गाइस हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लेंस बनकर तैयार हुआ है इस लेंस को यहाँ पर रख देंगे। और लगभग गाइस अब हमारी जो सेटिंग है गाइस नंबर एक की सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। और गाइस देखिए इस प्रकार से ये जो बल्ब है गाइस ये हमारा जो लेंस है इस प्रकार से हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद गाइस देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो लेंस है गाइस यहाँ से बिल्कुल लेंस की तरह ही दिखाई देता है। कोई ये चेक नहीं कर सकता है कि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये लेंस लगा हुआ है। ये हमारा सस्ता और सुंदर लेंस यहाँ पर हमने बनाकर तैयार कर दिया है। और गाइस लगभग अब हमारा जो प्रोजेक्टर है गाइस बनकर तैयार हो चुका है। चलिए गाइस तो जो प्रोजेक्टर हमने बनाया है उसे चलाकर देखते हैं कि आखिरकार प्रोजेक्टर तो बन गया लेकिन काम किस प्रकार से करता है। इसके लिए गाइस आपको क्या कहना है कि हमें क्या कहना है, इसके लिए हमें एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी और मोबाइल में हमें क्या कहना है गाइस कि कोई सा भी एक वीडियो चला लेना है, ठीक है। गाइस वीडियो चलाने के बाद हमें क्या कहना है कि ये जो मोबाइल है देखिए गाइस मोबाइल को देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रख देना है। इस प्रकार से देखिए गाइस ये मोबाइल है, इस प्रकार से रख जाएगा और हमारा जो वीडियो है गाइस चालू रहेगा। और चालू रहते ही गाइस हमें अपना जो प्रोजेक्टर है जिसे इस प्रकार से बंद कर देना है। लेकिन गाइस इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना है गाइस, हमें थोड़ा सा अंधेरा करना है और हमें चाहिए ये जो हमारा पर्दा रहेगा गाइस ये हमें वाइट कलर का पर्दा भी चाहिए। इसके ऊपर देखिए गाइस वैसे उस प्रकार से काम नहीं करेगा जिस प्रकार से हम चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अंधेरा करते हैं। अंधेरा करने के बाद गाइस हम वाइट पर्दा लगाते हैं। गाइस यहाँ पर हमने सारी लाइट्स को बंद कर दिया है। देखिए गाइस ये है हमारा प्रोजेक्टर और इसके अंदर देखिए हमारा जो मोबाइल रखा हुआ है गाइस इसके अंदर अंदर हम कोई सा भी एक वीडियो चलाने वाले हैं। गाइस ये वीडियो हमारा यहाँ पर चल चुका है। अब इसके बाद देखिए गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो प्रोजेक्टर है इसे बंद कर देंगे। ये भी देखिए गाइस आप लोग देख सकते हो ये दीवार पर चल रहा है। अभी ये देखिए गाइस अभी हमारा मोबाइल का फ्लैश जला हुआ है जिस कारण से देखिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस जैसे ही इसका फ्लैश बुझाते हैं ये देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग देखिए ये प्रोजेक्टर देखिए दीवार पर किस प्रकार से काम कर रहा है। हमारे हाथों पर भी देखिए गाइस ये चल रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ पर हमने हाथ को लगा दिया है। इसके बाद भी गाइस यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टर काम कर रहा है। अब देखिए गाइस यदि यहाँ पर फ्लैश जला देते हैं तो देखिए नज़ारा कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा होगा लेकिन जब फ्लैश जल रहा है तो ये सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस फ्लैश को बंद कर देते हैं तो उसके बाद देखिए गाइस आप पूरा का पूरा प्रोजेक्टर की सहायता से पूरा का पूरा टीवी आप दीवार पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक गुब्बारे धड़क रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस प्रोजेक्ट के ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।